तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एटम, है ना। एटम की यदि बात करें तो ग्रीक वर्ड में एटम का मतलब है कोई भी चीज जो इनडिविजिबल, मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, किसी मैटर का, तो दैट इज एटम। तो बहुत सारी स्टडीज करी गई फॉर फाइंडिंग द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द एटम, या अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, या मैं ये कहूं कि फॉर फाइंडिंग द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ठीक है, लेकिन जो मेन थ्योरी जो प्रपोज करी गई वो डाल्टन ने प्रपोज करी 1819। ठीक है, तो उसने फाइंड आउट किया कि भाई एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ठीक है, और एटम्स को माना गया कि दे आर स्ट्रक्चरलेस, ये स्ट्रक्चरलेस होते हैं, एंड दे आर हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स, ये हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक, उसके आगे फिर एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में स्टडीज हुई और वहां पे पाया गया कि भाई एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, नाउ इट इज नॉट इंडिविजिबल, अब इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उनमें पाया गया एटम्स को डिवाइड किया है तो किसमें डिवाइड किया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। तो इसके बाद जो है इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को जो है माना गया कि दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड टुगेदर दे फॉर्म एटम्स। ओके, तो हमारा जो फिर उसके बाद जो स्टडीज आई बाय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की और डिस्कवरी आई कैथोड रेज की, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो गया। तो एक माइन्यूट सी बात करें तो एटम से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया ये थॉमसन ने किया। उसने क्या किया कि उसने एक ग्लास ट्यूब ली। ठीक है, तो एक ग्लास ट्यूब ली विच वॉज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। ठीक है, फिटेड विथ टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स से थी एंड दिस इलेक्ट्रोड्स वेयर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड उसने, ये इलेक्ट्रोड्स कौन से थे, कैथोड और एनोड। और यहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग दी गई थी। इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स द गैस वॉज प्रेजेंट एट ठीक है, और ये जो है हमारी हार्ड ग्लास ट्यूब है या डिस्चार्ज ट्यूब है। अब क्या हुआ कि थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ही यूज द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विच वॉज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। ठीक है, फिटेड विथ टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू अ हाई सोल्ड्स ऑफ बैटरी एंड इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड देयर वॉज अ गैस विच वी हैव टू स्टडी। ठीक है, और एनोड की तरफ उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। फिर क्या हुआ कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने तीन ऑब्जर्वेशन फाइंड किए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसका ये था कि व्हेन द गैस वॉज प्रेजेंट एट अ नॉर्मल प्रेशर, जब आपकी गैस जो है नॉर्मल प्रेशर पे प्रेजेंट है, इवन आफ्टर अप्लाइंग द हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, गैस आपकी नॉर्मल प्रेशर पे है, इवन आफ्टर अप्लाइंग द हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड द गैस वॉज नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गैस कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, और यहां पे जो है फिर एक दिस डिस्चार्ज ट्यूब वॉज कनेक्टेड टू अ साइड ट्यूब। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप इट वॉज मेंटेनिंग द प्रेशर ऑफ द गैस
इनसाइड द ट्यूब। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस अप टू 10^-2 atm, तो गैस स्टार्ट्स कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब गैस का प्रेशर वो कैसे रिड्यूस करेगा? बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप। ठीक है, तो उसने ये फाइंड आउट किया दूसरे ऑब्जर्वेशन में कि जब गैस का प्रेशर आपने 10^-2 atm तक रिड्यूस किया, तो गैस ने क्या किया, जब आपने वो करंट अप्लाई किया, ठीक है, तो गैस स्टार्ट्स कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड ये था कि यदि प्रेशर ऑफ द गैस रिड्यूसेस फर्दर अप टू 10^-4 atm, तो इट स्टॉप्स, ठीक है, कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद क्या होता है कि जब 10^-4 atm पे करंट का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद जो है एनोड साइड पे उसने देखा कि भाई कुछ ग्रीनिश टाइप की जो है ग्लो दिख रहा था। ग्रीनिश कलर ग्लो कर रहा था एनोड साइड, ठीक है, एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ द जिंक सल्फाइड कोटिंग। तो उसने कुछ कंक्लूजन निकाला कि भाई ये ग्रीनिश कलर क्यों शो कर रहा है, ये इसलिए शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द बम्बार्डमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स ऑन द ग्लास, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो है यहां ग्लास पे, डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास पे बम्बार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली ये बम्बार्डिंग कर रहे हैं तो किस साइड से आ रहे होंगे, कैथोड साइड से, है ना, और उन पार्टिकल्स को उसने रेज बोला, तो मतलब दीज रेज वेर इमिटिंग फ्रॉम द कैथोड साइड एंड वेर बम्बार्डिंग ऑन द एनोड साइड, तो उसको इसने कैथोड रेस का नाम दिया। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस हो गए कैथोड रेस के। ठीक, अब आया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, तो उसने कुछ प्रॉपर्टीज कैथोड रेस की स्टडी करी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेस जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कैथोड रे की ये हुई कि यदि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट आप रख देते हैं तो कैथोड रेस के कारण यहां पे एक शैडो दिखने लगती है आपको। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये क्या थी कि दे हैव ड्यूअल नेचर, कैथोड रेस हैव ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव और पार्टिकल नेचर। They originate from cathode and move towards anode. Originate from cathode, क्योंकि glow हमको कहां दिख रहा है, anode की side दिख रहा है, They originate from cathode and move towards anode. फिर दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एज दे आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एनोड। हम जानते हैं कि कैथोड हमेशा निगेटिव, एनोड हमेशा पॉजिटिव, सो कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल as they are
मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एनोड। ठीक है, तो ये फोर पॉइंट्स हो गए हमारे कैथोड रेस के। फर्दर पॉइंट्स अभी और हैं। फिर दे हैव चार्ज इन मोमेंटम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट नंबर फाइव, दे हैव चार्ज एंड मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट नंबर सिक्स क्या है, दे शो मैकेनिकल इफेक्ट। यदि यहां पे आप कोई पैडल व्हील लगा देते हो तो इट रोटेट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैथोड रेस। तो दे शो मैकेनिकल इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्लेस अ पैडल व्हील इट रोटेट्स। सेवेंथ पॉइंट क्या है, दे पॉजेस हीटिंग इफेक्ट पॉइंट नंबर एट, दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। सो दे हैव सेम चार्ज एंड मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, दे शो मैकेनिकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्लेस अ पैडल व्हील इट रोटेट्स, दे पॉजेस हीटिंग इफेक्ट एंड दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कैथोड रेस के लिए, वो क्या है, दे हैव सेम चार्ज टू मास रेशियो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दे हैव सेम ई बाई एम रेशियो इरिस्पेक्टिव of the nature of gas present between the electrodes। ठीक है, तो कैथोड रेस को जैसे बोला गया कि भाई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एज दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो कैथोड रेस को इन्होंने नाम दे दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हम जानते हैं कि दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
माइनस वन ई जीरो, चार्ज माइनस वन है मास। तो दिस इज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव चार्ज इन मल्टीपल ऑफ वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कूलम, विच इज द फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो दीज वेयर ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग द कैथोड रेज। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया तो उससे हमने जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करा, ठीक है। तो उसके हमको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट इज मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते हैं इसको, इट इज यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यूज टू कैलकुलेट E by M for इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है, E by M की जो इसने रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो वैल्यू क्या थी, E by M इज इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। नेक्स्ट वैल्यू क्या आई इसकी, ग्राम को आप केजी में कर दो तो ये वैल्यू आपको केजी में मिल जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। तो मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक्चुअली यूज हुआ, इट इज यूज टू कैलकुलेट द ई बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो ई बाय एम की वैल्यू आ गई है ना, चार्ज अपॉन मास रेशियो का, ठीक है। उसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है जो हमने कैथोड रेज में देखा था कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट थिंग हमको क्या कैलकुलेट करना है, द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम एक एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज अवर क्वेश्चन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और ई बाय एम की वैल्यू हमने देखी है, ऊपर लिखी है कितना है, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 है ना।
और अपना क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, यदि यहां मैं ऊपर E लिख दूं अपॉन में E बाई एम लिख दूं, ठीक है, तो ये E कैंसिल हो जाएगा और M ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे निकालना भी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मेरे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, चार्ज बाय मास की रेशियो है, ठीक है, केजी में लेना है तो ये ले लीजिए और ग्राम में लेना है तो ये ले लीजिए, ठीक है। तो हमने वैल्यूज लिखी 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। इसको ग्राम में करना है तो केजी को ग्राम में लिख दीजिए, तो यू विल गेट अ वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम। तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का यदि रेशियो निकालना है तो देखते हैं क्या आता है ना। नेक्स्ट हेडिंग अवर इज, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था वो कितना था, 9.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी अपॉन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 केजी, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, ये वैल्यू आती है 1/1837, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1/1837, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है, हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, किसमें किया है, केजी में भी किया और ग्राम में भी किया है। अब बात आई कि भाई कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एमयू, तो कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एमयू, एमयू में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/NA ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू क्या होता है, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 केजी, ठीक है। तो 1 AMU का मास इन टर्म्स ऑफ केजी क्या है, 1.66 10 टू पावर माइनस 24 केजी, ठीक है। और हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास एमयू में कैलकुलेट करना है, ठीक। तो 9.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 9.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 अपॉन 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 AMU। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 0.00056 AMU, या इसको आप लिख सकते हो 5.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 AMU। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। 1 AMU कितना केजी था, ठीक है, 1 KG में कितना AMU आया, और 9.31 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी में कितना AMU हुआ, ठीक है। तो यू गॉट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU।
ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, गामा रेज ऑफ एनर्जी टू एमईबी स्प्लिट्स इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इफ एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन is same, zero point five one MeV, then calculate kinetic energy of इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गामा रेज ऑफ एनर्जी टू एमईवी स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इफ एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज सेम एज 0.51 एमईवी, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो अब इधर क्या है कि गामा रेज है हमारे पास, ये स्प्लिट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, तो माइनस वन ई जीरो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है और ये पॉजिट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, ये पॉजिट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी गामा रेज के पास कितनी थी, 2 MeV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने कितनी ले ली, 0.51 और 0.51, तो बची कितनी, बची हुई निकालते हैं, है ना, तो कितना आएगा, 2 माइनस 0.51 प्लस 0.51 इज इक्वल्स टू 0.98, है ना। तो ये जो एनर्जी, ये एक्सेस में है ना, इतनी एनर्जी तो कंज्यूम हो गई, और ये जो एनर्जी आई, ये आपकी एक्सेस में एनर्जी है। ठीक है, अब इनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आइडिया नहीं है, मतलब ये जो एनर्जी इतनी आई है 0.98 MeV, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों के बीच, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल्स टू 0.98 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.49 MeV। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 0.49 MeV है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और सेम ही MeV काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट
फॉर कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला क्या है, दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल। सेकेंड क्या है, दे कैन आयनाइज द गैसेस थर्ड क्या है, इन मैग्नेटिक फील्ड दे फॉलो सर्कुलर पाथ। ऑप्शन डी क्या है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे फॉलो पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो दीज वेर द फोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड इट इज द मल्टीपल चॉइस। तो पहला ऑप्शन क्या था, कैथोड रेस की बात हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, दे कैन पास थ्रू द थिन मेटल फॉइल। नेक्स्ट इज दे कैन आयनाइज द गैस। ऑप्शन सी इज इन मैग्नेटिक फील्ड दे फॉलो सर्कुलर पाथ। ऑप्शन डी इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे फॉलो पैराबोलिक पाथ। कैथोड रेस की यदि प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें तो ये सभी की सभी करेक्ट है। ठीक है, दीज ऑल आर करेक्ट। हमने अभी क्या देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था। ठीक है, वो कितना आया था हमारा, 9.1 × 10⁻³¹ केजी। अब यदि मैं बोलूं कि भाई आपको मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे? एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एन ए इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इन केजी यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, एक इलेक्ट्रॉन का कितना था, 9.1 × 10⁻³¹ केजी, है ना। उसमें एवोगैड्रो नंबर का यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास इन केजी आपको मिल जाएगा, तो 6.023 × 10⁻²³ से आपने मल्टीप्लाई किया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 5.4 × 10⁻²⁷ केजी। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल इलेक्ट्रॉन इन केजी। ठीक है, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन को भी देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, हमें किसका चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए।
तो चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6.023 इंटू 10^23 इज इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है आपकी कितनी 96500 कूलम। इट इज इक्वल्स टू 1 फराडे चार्ज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो दिस इज द चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमने ये देख लिया तो भाई एक क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास इफ 2 ग्राम ऑफ बेरिलियम इज कंप्लीटली आयोनाइज। है ना, कितनी फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पास करनी पड़ेगी यदि 2 ग्राम बेरिलियम को आपको कंप्लीटली आयोनाइज करना है। ठीक है, तो बेरिलियम है आपका 4B8 होता है, तो आप क्या लिखा आपने कंप्लीटली आयनाइज करना है तो B4++ 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है आपको कि 1 मोल बेरिलियम के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि फॉर 1 मोल बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 4 मोल इलेक्ट्रॉन नीडेड और बेरिलियम आपके पास कितने मोल है, 2 ग्राम बेरिलियम दिया है और मास कितना है 8 ग्राम, तो मोल्स कितने आए 2/8 1/4 मोल आए बेरिलियम के। तो फॉर 1/4 मोल बेरिलियम फोर इंटू 1/4 दैट इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन नीडेड। और इसके पहले ही हमने देखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96500 कूलम या 1 फराडे, और हमें आंसर किसमें चाहिए फराडे में, 1 फराडे इज योर answer. So this is how this particular question has been done. अभी हमने क्या है कैथोड रेज की बात करी थी, मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की। अब बात उसके बाद आई कि भाई कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी तो होंगे, वो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, है ना, तो उनके लिए भी स्टडीज चालू हुई। ठीक है, तो अब जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात आई कि भाई कैथोड रेज हैं तो भाई कुछ एनोड रेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी भी फर्दर स्टडीज चालू हुई, और जो मेन स्टडी करी वो किसने करी, गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया कि वाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉलो किया और उसने बीच में जो है एक परफोरेटेड कैथोड यूज करी। ठीक है, और इस बार जो
कोटिंग करी गई वो कैथोड की साइड पे करी गई। ठीक, अब क्या हुआ जब वही उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसको ग्लो कैथोड की साइड दिखने लगा, कैथोड की स्लाइड ग्लो दिखने लगा, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन लगाया कि भाई दे आर सम रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द एनोड साइड एंड दे आर बम्बार्डिंग इन द कैथोड साइड, है ना। तो उस रेज को उसने नाम दे दिया एनोड रेज। ठीक है, तो सेम उसका फिगर बनाते हैं जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉलो किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो इलेक्ट्रोड्स लगी, दे आर कनेक्टिंग टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। And this discharge tube is connected to a side tube for maintaining the pressure of the gas. यहाँ पे उसने एक perforated cathode use करी, perforated cathode मतलब इसमें छेद। ठीक है, here it was there zinc sulfide coating. And this is your cathode. This side is anode. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई perforated cathode. And between the electrode here the gas are present. ये हो गई आपकी गैस अंडर स्टडी। ठीक है, तो इस साइड पे भी रेज थी जो एनोड की साइड जा रही थी, है ना, और इस साइड भी रेज थी जो कैथोड की साइड जा रही थी। ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट उसने जब परफॉर्म किया बाय यूजिंग द परफोरेटेड कैथोड, तो उसने देखा कि इस बार जिंक सल्फाइड की कोटिंग उसने कैथोड साइड करी। ठीक है, अब कैथोड रेज तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि भाई कैथोड रेज किधर जाती है, दे मूव फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। तो भाई ये जिंक साइड में जब कैथोड की साइड में जब जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी तो भाई यहाँ पे उसको ग्लो दिखने लगा, तो उसको कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ा कि भाई कि यहाँ पे भी जो है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मीन्स सम रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड विच आर फॉलिंग टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, तो उसने उस रेज को नाम दे दिया कि ये रेज जो है एनोड रेज, और ये रेज कहां से आ रही थी, परफोरेटेड कैथोड से निकलते हुए इधर गिर रही थी, तो इधर ग्लो शो कर रहा था कैथोड की साइड में, तो इसको उसने नाम दे दिया कि ये एनोड रेज है या कैनल रेज भी इनको कहते हैं। अब इनके फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर ऑफ एनोड रेज, ठीक है, फर्स्ट क्या है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट placed in their path। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था, दे रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे ट्रेवल विथ हाई वेलोसिटी, दे ट्रेवल विथ हाई वेलोसिटी बट द वेलोसिटी
इज लेस देन कैथोड रेस। ऑल्सो द डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन कैथोड रे। तो इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि एनोड रेस आर हैवियर देन कैथोड रे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दे कास्ट अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। सेकेंड पॉइंट क्या था, दे डिफ्रैक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट क्या था, दे ट्रेवल विद हाई वेलोसिटी बट द वेलोसिटी इज लेस देन द कैथोड रे, ऑल्सो द डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द कैथोड रे। इससे ये कंक्लूजन निकाला कि भाई एनोड रेज आर हैवियर देन द कैथोड रेज। ठीक है, फर्दर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, दे शो हीटिंग इफेक्ट फिफ्थ क्या था, दे हैव दे शो मैकेनिकल इफेक्ट। For example, if you place a wheel between the electrodes, it rotates. लास्ट पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है कि अनलाइक कैथोड रेज दे हैव डिफरेंट ई बाय एम रेशियो डिपेंड ऑन द गैसेस प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैथोड रे में क्या था कि गैस के नेचर पे ई बाय एम रेशियो डिपेंड नहीं कर रहा था, चार्ज टू मास रेशियो वॉज ऑलवेज सेम इन केस ऑफ कैथोड रेज, लेकिन एनोड रेज में चार्ज टू मास रेशियो विल डिफर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। So this is our last point. Unlike cathode rays, E by M ratio would differ in केस ऑफ एनोड रेस। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस
प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए जो है E बाय एम का रेशियो वो डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन गैस है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो उसका E बाय एम रेशियो डिफरेंट होगा, हीलियम गैस है तो उसका E बाय एम रेशियो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ने क्या किया कि एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और एस पॉजिटिव आयन चार्ज बना दिया। ठीक, अब ई बाय एम का रेशियो निकालना है आपको, तो ई बाय एम की वैल्यू आपने क्या लिखी, चार्ज आपको कितना दिख रहा है, प्लस वन का, वन का चार्ज हो गया और मास हाइड्रोजन का क्या होता है, वन है ना, तो ये रेशियो हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यदि आप हीलियम लेते हो तो हीलियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Hg प्लस का चार्ज बना दिया। ठीक है, अब E बाय एम की आपने वैल्यू निकाली तो चार्ज हीलियम पे कितना है, प्लस वन, मतलब वन का चार्ज है, और मास ऑफ हीलियम कितना है, फोर, तो E बाय एम रेशियो क्या हो गया, वन बाय फोर। तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस E बाय एम रेशियो ऑफ द एनोड रेज वुड डिफर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड द फीचर्स ऑफ एनोड।